राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत की पार्टी की तरफ से डॉक्टर मनीष ने उत्तरी विधानसभा के नगला चिद्दा नगलापदी में भ्रमण किया, जहां उन्होंने बताया कि नवीन आगरा ग्रीन आगरा की बात करी जाती है, लेकिन इस क्षेत्र के लोग आज भी विकास के लिए तरस रही हैं। वर्तमान के विधायक व पूर्व में रहे विधायकों ने आज तक कभी भी क्षेत्र में चक्कर नहीं लगाया, क्योंकि और आज भी इस क्षेत्र के लोग गंदगी और नाले के बीचों बीच रहने को मजबूर हैं। संगठन के लोगों ने कहा कि हम चुनाव जीतें या ना जीतें, चुनाव के बाद हम इसके लिए एक आंदोलन करेंगे, यहाँ के लोगों को सुरक्षित जीवन मिले, क्योंकि हर जगह गड्ढे कचरा नाले में गंदगी में खुले नाले के पास रहने को मजबूर हैं, लोगों का जीवन नर्क बन चुका है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग विकास की बात करते हैं, इन लोगों को ये विकास दिखता है क्या? ये विकास है क्या? इसको आप दिखाइए पूरा कवरेज करके, ये विकास है। ये लोग जो यहाँ के निवासी हैं, क्या वो इंसान नहीं है क्या? एक बार जो नेता गण हैं वो यहाँ पे एक रात गुजार के देखें, उनको पता चल जाएगा कि विकास क्या होता है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा प्रत्याशी जीते या हारे, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत इसके लिए आंदोलन करेगा और उग्र आंदोलन करेगा जब तक ये कार्य पूरा सही से नहीं हो जाएगा। जब तक हाँ, मैं डॉक्टर मनीष हूँ, नवासी उत्तरी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और राष्ट्रीय हिंदू परिषद से गोविंद पाठक जी ने मेरे को समर्थन दिया हुआ है। मनीष, जैसा कि आप विजिट कर रहे हैं हर जगह, तो क्या पा रहे हैं आप, जैसे जगह जगह जा रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दे दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, मुद्दे तो देखिए बहुत हैं, है ना। बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा था। आज हम आए हैं इस जगह पे, आप खुद देखिए यहाँ के नाले जो हैं, देखिए अभी बरसात नहीं है, बरसातों में क्या होता होगा, सब घरों में पानी जाता है, बीमारियां फैलती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, कुछ भी यहाँ पर सिस्टम कुछ भी है नहीं। आप खुद देखिए कितने सालों से ये नाले नहीं बने हैं, बारिशों में क्या हालत होती होगी, लोग वहाँ यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो आपको गंदगी का जो हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उत्तरी विधानसभा में बीजेपी के विधायक रहे शुरू से, जी, तो ऐसे में क्या आप चैलेंज मानते हैं? किसी विधायक ने कुछ नहीं कराना पर, किसी विधायक ने देखिए कुछ नहीं किया है। स्थानीय नागरिक भी बहुत परेशान है। मैं ये कहता हूँ कि हम चुनाव जीते नहीं जीते, लेकिन हम अगर हम जीतते हैं तो हम यहाँ पे इसको गोद लेंगे, पूरी बस्ती को, सब जगह को गोद लेंगे। जनता का कितना विश्वास मिल रहा है आप लोगों को? जनता का भरपूर विश्वास मिल रहा है हमें, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं।